क्या आप गांव में रहते हैं और गांव में रह के ही बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 7 विलेज बिजनेस आइडियाज जिनको आप अपने गांव में ही रह के शुरू कर सकते हैं। और शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आसानी से इनको शुरू कर सकते हैं और आप खुद तो पैसे कमाएंगे, साथ ही साथ में आपके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी अर्निंग का मौका प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको 7 विलेज बिजनेस आइडियाज बताऊं, उससे पहले आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो के अंदर हम सभी बिजनेस आइडियाज के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जिस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया के ऊपर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं वो 7 विलेज बिजनेस आइडियाज कौन से हैं। सबसे पहला विलेज बिजनेस आइडिया, देखिए दोस्तों गांव में जो महिलाएं होती हैं उनके पास कई सारी स्किल्स होती हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना और भी काफी सारी स्किल्स होती हैं। अब देखिए इन स्किल्स का इस्तेमाल वो मोस्टली अपने घर के काम के लिए ही करती है और एक बार काम कंप्लीट हो जाने के बाद में वो फ्री हो जाती है। सो दोस्तों कैसा होगा कि अगर आप उनके स्किल और टाइम का यूज करके खुद भी पैसे कमा पाए और उन्हें भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में मदद करें। सो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये फाइंड आउट करना होगा क्या आपके गांव के आसपास में कोई बड़ी फैक्ट्री है, या फिर गांव में नहीं होगी तो आप अपने आसपास में जो सिटी होगी उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आपको कोई बड़ी फैक्ट्री मिल जाए तो वहां पे जाके आपको बात करनी है और उनको कहना है कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो स्किल्ड हैं, अगर आपको उनसे कोई भी काम कराना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनसे काम करवा के आपको दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों वैसे भी बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जो अपना काम महिलाओं को घर पे करने के लिए देती है, जैसे ज्वेलरीज में मोती या स्टोन लगाना, कपड़ों में टिकली या मोती लगाना, कपड़ों के कटआउट सीलना वगैरह वगैरह। सो दोस्तों आपको सिंपली ऐसी फैक्ट्री को फाइंड आउट करना होगा, वहां से आधा तैयार माल लेकर आना है और गांव की जो महिलाएं हैं उनको आपको सैंपल के साथ दिखा देना होगा, जिसके बाद में उनको एक आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद में वो काम करके आपको प्रोवाइड कर देगी और आप उस काम को फैक्ट्री को दे देंगे। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसी फैक्ट्रीज मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई कपड़े की फैक्ट्री मिल गई जो लेडीज कुर्ते और पेटीकोट बनाती है, तो सिंपली आपको वहां पे जाके उनसे बात करनी है, उसके बाद में हो सकता है वो आपको पेटीकोट के कटआउट प्रोवाइड कर दें और उन कटआउट्स को सिंपली आपको अपनी महिलाओं को देना है, बस महिलाओं के पास सिलाई मशीन होनी चाहिए ताकि वो उसको सील पाएं। और दोस्तों कंपनी की तरफ से आपको जो भी रेट मिलेगा उसमें से आप अपना कमीशन रखकर बाकी का पैसा महिलाओं को दे सकते हैं। सेम चीज आप किसी ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्रीज में भी जाके कर सकते हैं, वहां पे भी आपको ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम मिल जाते हैं, बस आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर आपको एक या दो फैक्ट्रीज भी मिल गई तो आप बैठे बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हैं लोगों से काम करवा के। दूसरा विलेज बिजनेस आइडिया, देखिए दोस्तों अगर आपके गांव में मीठा पानी है तो ये बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 100% से ज्यादा का भी प्रॉफिट हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं पर्ल फार्मिंग बिजनेस की। देखिए इसकी डिमांड सालों पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कई सालों तक रहने वाली है, लेकिन जिस तरीके से वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे ये बात तो श्योर है कि आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक तरीके से जो मोती बनते हैं वो शायद पूरी तरीके से खत्म भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मोती की फार्मिंग के लिए पानी का फ्रेश और मीठा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो दोस्तों अगर आपके गांव में मीठा और फ्रेश पानी अवेलेबल है तो आप मोती की फार्मिंग आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हैं। देखिए बस आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में पोटेंशियल तो है लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और थोड़ा सब्र भी करना होगा, क्योंकि दोस्तों मोती तैयार होने में लगभग 18-20 महीने तक का टाइम लग जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मोती की खेती कैसे की जाती है इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसमें आपको यह सिखाया जाता है सिप की सर्जरी कैसे करनी होती है, उसमें न्यूक्लियस को कैसे इंजेक्ट किया जाता है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है और फाइनली जब मोती तैयार हो जाता है तो उसे बाहर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों ये ट्रेनिंग आपको बहुत से एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद में आप भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया पर्ल हार्वेस्टिंग में मोती तैयार होने में लगभग 18-20 महीने का टाइम लगता है, और अगर बात करें प्रॉफिट की तो एक मोती बनाने में जितना खर्चा आता है उससे डबल या ट्रिपल में आप उसे सेल कर सकते हैं। सो आप यूं समझ लीजिए इस पर्टिकुलर बिजनेस में 100% या उससे ज्यादा का मुनाफा आप कमा सकते हैं। तीसरा विलेज बिजनेस आइडिया, अब देखिए जिस बिजनेस आइडिया के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके गांव के लिए सोना उगलने वाला बिजनेस हो सकता है। देखिए इंडिया गांव का देश है और हर कुछ मील पर मिट्टी से लेकर मौसम तक सब बदल जाते हैं। अब दोस्तों जैसा मौसम होता है उसी के हिसाब से लोग वहां पे खाना पीना खाते हैं और वहां पे जो फसल पैदा होती है वो भी मौसम के हिसाब से ही होती है। जैसे अगर हम यूपी और बिहार की बात करें तो वहां पे पेठा और बेल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में अंजीर, चीकू, कस्टर्ड एप्पल, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। साउथ में अगर आप चले जाएंगे तो आपको नारियल बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों यहीं से निकल कर आता है हमारा बिजनेस आइडिया, और वो ये है कि आपके एरिया में जो भी फ्रूट, वेजिटेबल या ग्रेन्स पॉपुलर है उनसे आप अलग अलग तरीके की चीजें बनाकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो देखिए यूपी और बिहार में आपको पेठा फल आसानी से मिल जाएगा, जिसे इंग्लिश में एश गॉड कहते हैं। इसके अलावा बेल भी वहां पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सो आप क्या कर सकते हैं, अपने गांव की महिलाओं को एक जगह बुलाकर उनसे पेठा बनवा सकते हैं, बेल का मुरब्बा तैयार कर सकते हैं और उसके बाद में उसकी अच्छी सी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके आप अलग अलग जगह पे सप्लाई कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहां पे लहसुन की चटनी, ठेचा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो आप क्या कर सकते हैं उसे बनाकर अलग अलग जगहों पर
और स्टेट्स में सप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी मार्केट में काफी सारे लोग हैं जो इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे तो हमको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए जो लोग भी इस प्रकार का बिजनेस कर रहे होंगे उनको रॉ मटेरियल की जरूरत तो पड़ती है और रॉ मटेरियल आता होगा आपके एरिया से ही। सो वहां से उनके एरिया तक पहुंचने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है जो आपके केस में नहीं लगने वाला। सो आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां से जो भी पॉपुलर चीज है उसको लेकर उससे कुछ नई चीज बनाकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों आपका जो मेकिंग कॉस्ट होगा वो आपके कॉम्पिटिटर से कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा आप सस्ते में सेल कर पाएंगे। और हमारे देश में मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जिनको चीजें सस्ते में चाहिए, तो आप सस्ते में बेच के भी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। चौथा विलेज बिजनेस आइडिया, देखिए दोस्तों इंडिया फेस्टिवल्स का देश है, यहाँ पे हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आते ही रहता है। इसके अलावा फंक्शंस और रिचुअल तो बहुत सारे होते हैं और हर रिचुअल फंक्शन और फेस्टिवल में फूलों का इस्तेमाल होता ही है, कभी डेकोरेशन के लिए नहीं तो कभी रिचुअल के लिए, और बहुत बार तो स्वागत करने के लिए भी फूलों का इस्तेमाल होता है। सो दोस्तों अगर आपके पास गांव में खेती लायक जमीन है तो उसमें आप फूलों की फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मार्केट में आपको दो तरीके के फूल मिलेंगे, सबसे पहला गेंदा, मोगरा, जास्मीन, रोज, ये ऐसे फूल हैं जो आपको नॉर्मली कहीं पे भी मिल जाएंगे और डेली बेसिस पे इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों कुछ फूल ऐसे होते हैं जो महंगे भी होते हैं और साथ ही साथ में रेयरली मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि लोटस, लिली, टूलिप वगैरह वगैरह। सो अगर आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी प्रकार के फूलों की खेती कर सकते हैं और उनको अच्छे प्राइस में बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको अच्छी खासी जमीन की जरूरत पड़ेगी जहां पे फूलों को उगाया जा सकता है। और मान लीजिए अगर आपके पास जमीन नहीं है तो जैसे कि मैंने कहा आप रेंट पे भी ले सकते हैं, और अगर आपको खुद को फूलों की फार्मिंग करनी नहीं आती तो आप कहीं से ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान को हायर कर सकते हैं जिसको फार्मिंग आती हो और उससे फार्मिंग करवा सकते हैं, उसको सैलरी बेसिस पे आप हायर कर सकते हैं। और रही बात फूलों को बेचने की, तो आपके आसपास में जो भी फूल की मंडी होगी वहां पे आप बल्क में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे फूलों की जरूरत पड़ती है, तो आप सिंपली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको अपने फ्रेश फूल सप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि हर मौसम में फूलों की खेती नहीं होती, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। सो ऐसे में आप आर्टिफिशियल वेदर जनरेट कर सकते हैं और उसमें फूलों की खेती कर सकते हैं। अभी आर्टिफिशियल वेदर को कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे सारी चीजें होती है, जब इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको अपने लेवल पर सर्च करना है तो आप सिंपली यूट्यूब पे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनसे आपको पता चल जाएगा। पांचवा विलेज बिजनेस आइडिया, देखिए आज के टाइम में पूरे इंडिया में हीट वेव आई हुई है, जगह जगह पे गर्मी पड़ रही है। दोस्तों हमारी मुंबई जहां पे गर्मी नहीं पड़ती थी वहां पे भी इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। वैसे दोस्तों आप खुद जानते होंगे गर्मियों में जब स्कूल की छुट्टी होती है तो मैक्सिमम लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं ताकि वहां पे उनको थोड़ी सी ठंडक मिल सके और साथ ही साथ में सुकून भी मिल सके। इसके अलावा दोस्तों ये चीज भी आप जानते होंगे कि जहां ग्रीनरी होती है वहीं आंखों से लेकर आत्मा तक को सुकून मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर हम शहरों की बात करें तो वहां तो हरियाली दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग वीकेंड और छुट्टियां मनाने के लिए फार्म हाउस या फिर रिजॉर्ट जाना पसंद करते हैं जहां पे उनको थोड़ी सी ठंडक मिल सके। सो दोस्तों आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे लोगों को अपनी डेली बिजी और पॉल्यूशन भरी लाइफ से छुटकारा मिल सके, जिसके लिए आप एग्री टूरिज्म जैसा कुछ कर सकते हैं। देखिए एग्री टूरिज्म एक कंपनी है जो ऑलरेडी इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है, सो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं एग्री टूरिज्म मोस्टली जो किसान होते हैं उनको एम्पावर करने का काम करती है। सो उनसे इंस्पिरेशन लेने के बाद में आप अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां पे सिटीज काफी नजदीक हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं एक बड़ी सी जगह में पूरे गांव का एटमॉस्फेयर डिजाइन कर सकते हैं, जिससे वहां आने वाले लोगों को बिल्कुल गांव जैसी फीलिंग आए। जैसे आप मिट्टी के रूम बना सकते हैं, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना के सर्व कर सकते हैं, पीतल और कांसे के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना सर्व करने के लिए। इसके अलावा कुछ गेमिंग एक्टिविटीज भी रख सकते हैं जिसके अंदर इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना हो। जैसे अगर मैं आपको कुछ एक्टिविटीज बताऊं तो मिट्टी के बर्तन बनाने की एक्टिविटीज रख सकते हैं, कैरम खेलना, चेस खेलना वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों आप वहां पे चाहें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं, जिससे वहां पे जो भी फ्रूट और वेजिटेबल पैदा होंगे लोग उन्हें खरीद लेंगे। और दोस्तों रही बात बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो दोस्तों जिस तरीके से ग्रीनरी खत्म होती जा रही है आने वाले टाइम में लोग इस तरीके के एनवायरमेंट में वक्त बिताने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। छठा विलेज बिजनेस आइडिया, देखिए दोस्तों इंडिया में वेस्टर्न कल्चर का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग वही सब्जियां और फल खाना पसंद करते हैं जो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में उगाई जाती है, जैसे कि कीवी हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, बेल पेपर, एवोकाडो वगैरह वगैरह। अब देखिए इन सारी चीजों की मार्केट में जो प्राइस होती है काफी हाई होती है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसकी खेती करते हैं, क्योंकि इनकी खेती करने के लिए बाहर के देश जैसा एनवायरमेंट मेंटेन करना पड़ता है जो कि वो आर्टिफिशियली करते हैं। सो अगर आप चाहें तो आप भी इन चीजों को उगाकर बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप किसी से रेंट पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास जमीन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, लेकिन उनको खेती करनी आती है, तो
आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा क्लाइमेट को मेंटेन करने का, जो कि आप आर्टिफिशियली कर सकते हैं, लेकिन कैसे किया जाता है ये आपको सीखना होगा, जिसके लिए आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और वहां पे सीखकर इस प्रकार की खेती करना शुरू कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मान लीजिए हमने ऐसी खेती करनी शुरू भी कर दी तो हम जो वेजिटेबल और जो फ्रूट्स उगाएंगे उनको सेल कहां पे करेंगे? दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर एक बार आपने उगाना शुरू कर दिया तो आपको ऐसे बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे जो आपके फल और फ्रूट को उगने से पहले ही खरीद लेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे सुपरमार्केट्स होते हैं जहां पे ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स मिलते हैं, सो उनको कोई ना कोई तो सप्लाई करता होगा, तो जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर उनको सप्लाई करते हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको भी आप बल्क में सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में बहुत सारे क्विक कॉमर्स भी आ चुके हैं, तो वहां पे भी आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को सेल कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सातवां विलेज बिजनेस आइडिया। देखिए दोस्तों अब जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो गांव की औरतों से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों आज भी गांव में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, क्योंकि उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने घर में ही रहकर सिर्फ घर का ही काम करती है और बच्चों का पालन पोषण करती है। इसके अलावा गांव में कोई खास इंडस्ट्रीज भी नहीं होती कि वहां पे जाके काम कर सके और कुछ अर्निंग कर पाए। सो ऐसे में दोस्तों आप महिलाओं को कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनकी मदद से वो घर बैठे बैठे कुछ अर्निंग कर पाए और अपने घर खर्चों में कंट्रीब्यूट कर सके। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि उन महिलाओं को हम कौन से स्किल्स सिखा सकते हैं। सो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि वो सोशल मीडिया का यूज करके मास ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकती है, यानी कि आप उनको कंप्यूटर और सोशल मीडिया से जुड़ी नॉलेज दे सकते हैं ताकि उसका इस्तेमाल करके वो भी अपने घर बैठे बैठे पैसे कमा सके। इसके अलावा दोस्तों इसी प्रकार की और भी बहुत सारी ट्रेनिंग दी जा सकती है, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग, सिलाई कढ़ाई, आर्ट एंड क्राफ्ट, डे केयर सेंटर को कैसे चलाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनको सिखा सकते हैं और उसके बदले में आप उनसे कुछ फीस चार्ज कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप महिलाओं को हैंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सिलाई कढ़ाई, हैंडीक्राफ्ट वगैरह वगैरह, सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं और उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए ऐसा करने से फायदा क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट सेल होगा उसमें आपको अपना कमीशन मिल जाएगा और उनको भी पैसे मिल जाएंगे, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सो दोस्तों ये थे वो 7 विलेज बिजनेस आइडियाज जिनको आप अपने गांव में ही रहकर शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना इन सातों में से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा और किसके ऊपर आप काम करने की सोच रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।